पाकिस्तान को लेकर भारत न केवल अब बयान दे रहा है बल्कि फैसले भी ले रहा है। बीते कुछ सालों में ही देखा जाए तो भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे बड़े कदम उठाए। वहीं दूसरी ओर भारत ने कश्मीर में धारा 370 को हटाकर कश्मीर के मामले में अब तक का सबसे बड़ा फैसला लिया। भारत के इन बड़े फैसलों के बीच एक ऐसा खुलासा हुआ है जिससे पाकिस्तान और वहां की सेना के होश उड़ गए हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का जैसे गला सूख गया है। दरअसल भारतीय पायलट अभिनंदन का विमान जब पाकिस्तान में क्रैश हुआ और पाकिस्तान ने अभिनंदन को गिरफ्तार किया था, भारत ने पाकिस्तान के चीथड़े उड़ाने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। भारत ने अपनी 9 बड़ी मिसाइलों को पाकिस्तान की तरफ मोड़ दिया था और अगर पाकिस्तान अभिनंदन को रिहा करने में थोड़ी भी आनाकानी करता तो भारत अपनी 9 मिसाइलों को पाकिस्तान की तरफ दागने के लिए तैयार था। पूर्व हाई कमिश्नर अजय बिसारिया ने अपनी नई किताब में इससे जुड़ा बड़ा खुलासा किया है। इस खुलासे को लेकर पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान ने किताब में लिखी बातों को आश्चर्यजनक बताया है। पाकिस्तान का विदेश विभाग इन बातों को फर्जी करार देने लगा है। विदेश विभाग ने कहा है कि एक प्रोफेशनल राजनयिक की ओर से इस तरह के बयान आश्चर्यजनक है। पाकिस्तान की विदेश विभाग की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने कहा है कि उन्होंने बिसारिया की किताब को नहीं पढ़ा है, उन्होंने सिर्फ मीडिया में इसको लेकर रिपोर्ट देखी है। किताब में दावा ये भी किया गया है कि उस वक्त प्रधानमंत्री इमरान खान सीधे पीएम मोदी से बात करना चाहते थे, तब बिसारिया ने पाकिस्तान को बाद में ये बताया कि पीएम मोदी अगले कुछ घंटे तक व्यस्त हैं, इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से उन्हें कोई फोन नहीं आया। हालांकि पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय इस बात को चाहे जितना भी झुठला ले, लेकिन उनके डरे होने की पोल पाकिस्तानी सांसद ने ही खोल दी थी। पाकिस्तानी सांसद अजाज सादिक ने संसद में कहा था कि पाक आर्मी चीफ के पैर कांप रहे थे, वो पसीने में गीले थे और तब के मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि अभिनंदन को जाने दिया जाए क्योंकि 9 बजे भारत हमला कर देगा। माना जा रहा है कि पाकिस्तान में इतना डर इसलिए था क्योंकि बीते कुछ सालों में वो ये बात अब समझ चुका है कि भारत के लिए हमला करना शायद अब पहले जितना मुश्किल नहीं है।